तो दोस्तों मैं हूं दीपिका चौधरी, आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल इन फॉर हिंदी में। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में मिली हार के बाद अपनी टीम के हाव भाव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या का गेंदबाजी के लिए फिट नहीं होने से टीम का संतुलन प्रभावित हो रहा है। भारत की ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत निराशाजनक हुई, उसे पहले वनडे में 66 रनों से हार का सामना करना पड़ा। कोहली ने मैच के बाद कहा, हर किसी को पूरे 50 ओवरों में अपना जज्बा दिखाने की जरूरत होती है। शायद हम लंबे समय बाद 50 ओवरों के क्रिकेट में खेले, जिसका असर मैदान में खड़े खिलाड़ियों पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैदान पर 25 ओवरों के बाद खिलाड़ियों के हाव भाव अच्छे नहीं थे। अगर आप शीर्ष स्तर की प्रतिद्वंदी टीम के खिलाफ मौके का फायदा नहीं उठाओगे तो वे आपको नुकसान पहुंचा देंगे, और आज ऐसा ही हुआ। हार्दिक पांड्या गेंदबाजी के लिए अभी फिट नहीं है। उन्होंने कहा, हमें काम चलो गेंदबाजों से कुछ ओवर करवाने के लिए तरीका ढूंढना होगा। दुर्भाग्य से हार्दिक जैसे खिलाड़ी अभी गेंदबाजी के लिए तैयार नहीं है। मार्क स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ ओवर डाल रहे हैं, जिससे उन्हें मदद मिली। कोहली ने कहा कि उनके गेंदबाज नियमित अंतराल पर विकेट नहीं चटका सके, जिससे ऑस्ट्रेलिया को बड़ा स्कोर बनाने में मदद मिली। उन्होंने कहा, मैच जीतने में विकेट चटकाना सबसे अहम, और यही नहीं कर सके। ये पूछने पर कि क्या संयुक्त अरब अमीरात से ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर प्रत्येकवास में रहने से टीम का प्रदर्शन प्रभावित हुआ, उन्होंने कहा कि तैयारी के लिए काफी समय मिला, इसके लिए कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता है। मगर हम उम्मीद करते हैं कि पहला वनडे हारने के बाद आगे की सभी मैच में इंडिया बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, और वो अपना अच्छा प्रदर्शन कर ये खिताब अपने नाम करेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी के लिए आपकी और भी कोई राय तो हमें कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो दूसरों को शेयर करना ना भूलें। और भी ऐसे जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ऑल इन फॉर हिंदी को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे।